गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन मिरिक मिशन लॉन्च करने जा रही है, जिसका उद्देश्य है मिरिक के सुमेंदु लेक का ब्यूटिफिकेशन करना। इस परियोजना के लिए 20 लाख रुपयों की धनराशि खर्च की जाएगी। GTA ने हिल टाउन मिरिक में स्थित सुमेंदु लेक का ब्यूटिफिकेशन करने का फैसला किया है, जिसके लिए 20 लाख रुपयों की धनराशि एलोकेट की जाएगी। इस परियोजना के जरिए लेक के आसपास के क्षेत्र को जल्द ही प्लास्टिक फ्री जोन डिक्लेयर किया जाएगा। इसके अलावा GTA ने शहर और इसके आसपास के क्षेत्र को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देने के लिए 1 और 2 मार्च को मिरिक में 2 दिवसीय टूरिज्म फेस्टिवल करने का भी निर्णय लिया है। GTA के टूरिस्ट डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर दावा शेरपा ने कहा कि GTA द्वारा जल्द ही लेक के सराउंडिंग एरिया को प्लास्टिक फ्री जोन डिक्लेयर किया जाएगा और यदि किसी को भी प्लास्टिक इस्तेमाल करते हुए देखा गया तो उनसे फाइन्स लिए जाएंगे। 24 फरवरी 2024 को GTA टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा लेक के आसपास के क्षेत्रों में क्लीनलीनेस ड्राइव का भी आयोजन किया जाएगा। शेरपा ने कहा कि उन्होंने सभी टूरिज्म स्टेक होल्डर्स के साथ साथ उन सभी लोगों से स्वच्छता अभियान में आगे आने और हाथ बटाने का आग्रह किया है जो मिरिक को पसंद करते हैं। रिपेयर्स और रिनोवेशन कार्य के साथ साथ क्लीनलीनेस ड्राइव के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि हाल ही में GTA चीफ एग्जीक्यूटिव अनित थापा ने मिरिक का दौरा किया था और उन्होंने बोर्ड्स और टिकट काउंटर्स को दयनीय स्थिति में पाया और अब GTA ने चीजों को सही करने की योजना बनाई है। शेरपा ने कहा कि नाव के मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है और अगले चरण में टिकट काउंटर और बोट हाउसेस का रिनोवेशन कार्य भी किया जाएगा। आने वाले समर सीजन को ध्यान में रखते हुए GTA ने बुधवार को लेक में मोटर बोट भी इंट्रोड्यूस किया। शेरपा ने कहा कि यह मोटर बोट पर्यटन उद्देश्यों के लिए नहीं है बल्कि आपातकालीन स्थिति में बचाव कार्यों के लिए है और यदि आवश्यकता पड़े तो झील की सफाई के लिए GTA कर्मचारियों द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने 3 मार्च को मिरिक में हिमालयन फेस्टिवल की योजना बनाई है। शेरपा ने कहा कि GTA 1 मार्च और 2 मार्च को 2 दिवसीय पर्यटन महोत्सव आयोजित करेगा। फेस्टिवल में लोकल फूड कल्चर और हेरिटेज का प्रदर्शन करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होंगे। दावा शेरपा ने आगे कहा कि माउंटेन साइकिलिंग और झील के चारों ओर रनिंग ट्रैक जैसे एडवेंचर स्पोर्ट शुरू करने की भी उनकी योजना है। नॉर्थ बंगाल और सिक्किम की खबरों के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें द कॉर्ड भारत को। खबरें हमारी, साथ आपका।